नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक औरत अपने जीवन काल में कितनी बार जवान होती है। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि जवानी बार बार नहीं आती, जवानी एक बार ही आती है। तो अब आप इस बात से हैरान हो रहे होंगे कि अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि जवानी कितनी बार आती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा उम्र से कोई मतलब नहीं है। जवानी की को हमने सेक्सुअल डिज़ायर से जोड़कर यहाँ पर डिवाइड किया है। तो हम आपको बता देते हैं कि एक औरत में अपने जीवन काल में 3 बार जवानी आती है। जी हाँ दोस्तों, एक औरत अपने जीवन काल में 3 बार जवान होती है। तो 3 अवस्थाओं को हम आपको बिल्कुल अलग अलग करके समझाएंगे। तो आप अगर पहली बार YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, पहली जो जवानी शुरू होती है वो शुरू होती है 16-17 वर्ष की आयु में। फिर लड़की की 18 या 20 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाती है, तब भी वो जवान रहती है, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन ज्यों ही एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर कम होने लगती है। 1 या 2 बच्चा जब वो पैदा करती है तो उस अवस्था में उसकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम होती है, क्योंकि उस अवस्था में उसका सेक्स की तरफ से मन हट जाता है और वह अपने बच्चों में ध्यान लगाए रखती है। इस दौरान बच्चे उसकी छाती से दूध भी पीते हैं तो इससे भी सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो पहली जो अवस्था होती है, बच्चे पैदा होने से पहले वो जवान हो जाती है, लेकिन जब बच्चे छोटी अवस्था में होते हैं यानी कि जब बच्चे दूध पीते हैं तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है। उस अवस्था में सेक्स बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अब दोस्तों आती है उसकी दूसरी स्टेज, कब होती है, जब बच्चे 8-7 वर्ष के हो जाते हैं और स्कूल में बच्चे जाना शुरू कर देते हैं और लगभग औरत 28 साल के करीब हो जाती है तो फिर उसकी सेक्सुअल डिज़ायर फिर दोबारा से एक जवान औरत की तरह हो जाती है। तो फिर वो 8-10 साल यानी कि 35 से और 37-38 साल तक फिर वो युवा महसूस करती है, सेक्स डिज़ायर इस अवस्था में उसके ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों जब बच्चे उसके जवान होने लगते हैं तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में औरत अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने लगती है, उनके शादी के बारे में विचार करने लगती है, तो वहाँ से उसका ध्यान हटकर अपने बच्चों के भविष्य पर आ जाता है। तो पहली जो अवस्था बताई हमने वो थी जब जवान होती 16-17 साल से 27-28 वर्ष तक। दूसरी फिर जवानी आती है दोस्तों 30 से 40 के बीच, और जब बच्चे छोटे होते हैं दूध पीते हैं तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है। मतलब वो उसकी हम जवानी में उसकी स्टेज को नहीं गिनते, क्योंकि उस अवस्था में उसकी सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल कम हो जाती है। अब जब दूसरी उसकी इच्छाएँ होती हैं, लेकिन जब 38-40 वर्ष की हो जाती है तो बच्चे बराबर के हो जाते हैं तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर फिर से कम हो जाती है। और फिर तीसरी स्टेज तब आती है जवानी की जब उसके बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं और अब वह अपने बच्चों की टेंशन से मुक्त हो जाती है, तो बुढ़ापा एक शुरू हो जाता है। और आपने गाना सुना होगा बूढ़ी है लुगाई मस्ताई फागण में, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस गाने में सच्चाई है। तो तीसरी अवस्था तब शुरू हो जाती है जब वो अपने बच्चों को विवाहित कर देती है। धन्यवाद।